हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जिसमें से दो सब्जेक्ट जो हर एक स्टूडेंट के पास है। पहले सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और दूसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बीकॉम प्रोग्राम के चाहे हिंदी या इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के पास है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के पास है दोनों सब्जेक्ट। और दो सब्जेक्ट, एक तो आपका इंग्लिश होगा या ईबीएस होगी, और दूसरा आपका मिल में से आपने लिया होगा, इंग्लिश लिया होगा या आपने इकोनॉमिक्स ली होगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। अभी हमें सब कोर सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं। ये आपके मेन सब्जेक्ट है, यही आपके हार्ड रहते हैं हर बार में, तो इनका सिलेबस क्या है वो हम आपके सार को बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो क्योंकि बीकॉम के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई दिनों से रिक्वेस्ट करें कि सर बीकॉम के लिए भी वीडियो ला, बीकॉम के लिए भी तो लाओ। तो हम आज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये बीकॉम का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक संगठन एंड प्रबंध, ठीक है। तो अब देख लेते इसका सिलेबस क्या 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 किस किस कौन कौन से इसमें चैप्टर्स मेन मेन आपके रहेंगे। देख लीजिए, पार्ट वन में है आपका व्यवसाय तंत्र, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। पार्ट टू में है उद्यमी प्रक्रिया, तीसरे में प्रबंध की प्रक्रिया, चौथे में नियोजन, पांचवे में संगठन, छठे में अधिकार सौंपना एवं विकेंद्रीकरण, सातवें में नेतृत्व, आठवें में अभिप्रेरणा, और नौवें पार्ट में संप्रेषण, और टेंथ में है नियंत्रण की प्रकृति एवं प्रक्रिया। तो ये 10 चैप्टर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे बीकॉम वालों के लिए। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, और इंग्लिश वालों को भी यही करना है। हिंदी देखिए बहुत इजी है इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। व्यवसाय तंत्र, उद्यमी प्रक्रिया, तो यही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। और मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ सब्जेक्ट। तो ये बीकॉम का दूसरा सब्जेक्ट है, और ये सारे स्टूडेंट के पास होगा जिन्हें बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में ले रखी होगी। इसका नाम है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का नाम है, और इसमें क्या क्या चैप्टर रहेंगे, काफ़ी इसमें कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इकाई वन में आपका रहेगा लेखा विधि की परिभाषा, लेखा विधि की अवधारणा व प्रथाएं, सहायक पुस्तकें, अंतिम खाते, प्राप्ति तथा भुगतान खातों और आय तथा व्यय खाता। पार्ट सिक्स में आपका एक एकांत प्रणाली, और पार्ट इकाई दो के पार्ट वन में हास एवं संचय, पार्ट वन में किराया क्रय पद्धति, पार्ट वन में शाखा खाते, पार्ट वन में साझेदारी का अंत विघटन। ये आपके चैप्टर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिंदी मीडियम का, और इंग्लिश वालों के लिए भी है, आप चाहो तो इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इन सबको आप तैयार कर लेना, यही चैप्टर में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और इनको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी आप बुक्स लेके इनकी तैयारी कर सकते हो। तो मैं अब आपको इंग्लिश मीडियम वालों का भी दिखा देता हूँ। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सिलेबस क्या रहने वाला है ग्रेजुएट कोर्स का, ये है आपका पूरा सिलेबस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने नहीं लिया है। ये एनसीबीएफ सोल रेगुलर, जिसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सब्जेक्ट, यही सेम सब्जेक्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर सिलेबस आपका नहीं आएगा, यही इन्हीं चैप्टरों में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो ये आपका इंग्लिश में कंटेंट है, और बाकी इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, तो हिंदी वाले इंग्लिश में भी कर सकते हो, इंग्लिश वाले हिंदी में भी कर सकते हो, तो कोई इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम पे इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और उनको अपलोड भी करूँगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कॉलेज अपडेट्स कोई चैनल नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू सो मच।